फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एस गीता सिंह ब्यूटी टिप्स। फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो मेरा नाम पीहू है। मैं अपने चैनल पे ब्यूटी रिलेटेड जानकारी देती हूँ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ। आज मैं आपके साथ एक ऐसा हेयर पैक शेयर करने वाली हूँ जो मैं अपने टीनेज में बहुत यूज़ करती थी। फ्रेंड, मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे 90% महिलाएँ जो है ये हेयर पैक का इस्तेमाल करती है। मैंने मेरी दीदी, मेरी आंटी, मम्मी, ऑलमोस्ट लोगों को मैंने ये हेयर मास्क अप्लाई करते हुए देखा है और इस हेयर मास्क के बहुत सारे मैजिकल रिजल्ट है। फ्रेंड, ये आपके हेयर को जड़ से मजबूत बनाता है, साथ ही काला घना बनाता है। और अगर आप बहुत ज़्यादा हेयर फॉल्स फेस करें तो इस हेयर मास्क को ज़रूर यूज़ करें। ये हेयर मास्क एज अ कंडीशनर भी आप अपने हेयर पे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे लोग एग का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो वो इस हेयर मास्क को ज़रूर अप्लाई करें। सेम बेनिफिट आपको इस हेयर पैक से भी मिलेगा। लेकिन इससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दें और दिया गया नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट गेट स्टार्टेड। हिबिकस हेयर मास्क बनाने के लिए मैं ले रही हूँ रेड कलर का हिबिकस फ्लावर। आप भी रेड कलर का हिबिकस फ्लावर ही ले। फ्रेंड, हिबिकस फ्लावर में विटामिन सी, कैल्शियम, वसा, फाइबर, आयरन, नाइट्रोजन, फास्फोरस जैसे विटामिन पाए जाते हैं। मैंने 8 हिबिकस फ्लावर लिया है। इसके साथ मैंने हिबिकस की पत्तियाँ लिया है। फ्रेंड, हिबिकस की जो पत्तियाँ होती है वो नेचुरल कंडीशनर का काम करती है। इसके साथ ये हमारे बाल की ग्रोथ को भी बढ़ाता है। इसके साथ मैंने लिया एलोवेरा प्लांट। अगर आपके पास एलोवेरा का प्लांट नहीं है तो आप मार्केट में मिलने वाला एलोवेरा जेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस पैक के लिए। मैं सबसे पहले एलोवेरा जेल निकाल लूँगी। फ्रेंड, इसके लिए मैं एलोवेरा के प्लांट को साइड से कट करके इसके बीच का पल्प निकाल लूँगी। हिबिकस हेयर मास्क बनाने के लिए क्लीन मिक्सर जार पर हिबिकस के पत्तों को अच्छे से वॉश करके ऐड करें। अब हिबिकस के फूल की साइड की डंडी को तोड़कर इसमें ऐड करेंगे। मेरा हेयर लॉन्ग है तो मैंने 8 हिबिकस फ्लावर ऐड किया है। अगर आपका हेयर शॉर्ट है तो आप 4 हिबिकस फ्लावर इसमें ऐड करें। ग्राइंड करने के लिए आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर ले। फ्रेंड, मैंने इसे ग्राइंड कर लिया। ये बिल्कुल इसी तरह थिक होना चाहिए। गुड़हल के जो फूल होता है उसमें विटामिन सी, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट के पोषक तत्व पाया जाता है। इसे आप एज अ फेस पैक भी यूज़ कर सकते हैं। ये एंटी एजिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। इससे आपकी झुर्रियाँ भी बहुत हद तक सॉल्व होती है। फ्रेंड, अब इस पैक में मैं ऐड कर रही हूँ एलोवेरा जेल। अगर आप मार्केट वाला एलोवेरा जेल इसमें ऐड करेंगे तो 1 बड़ा चम्मच ऐड करें। फ्रेंड, अगर आपका हेयर शॉर्ट है तो आप इसमें 1/2 स्पून ऐड करें। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल जेल इसकी कंसिस्टेंसी है, ये बिल्कुल इसी तरह होता है। फ्रेंड, अगर आप एग हेयर मास्क कभी ट्राई किए हैं तो आपको इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं नज़र आएगा। ये दोनों आपके हेयर नेचुरल सिल्की शाइन बनाता है। फ्रेंड, हिबिकस हेयर मास्क अप्लाई करने से पहले आप अपने हेयर को अच्छे से वॉश कर लें। आपका हेयर क्लीन और ड्राई होना चाहिए। फ्रेंड, अब मैं इसे अपने हेयर पर अप्लाई कर रही हूँ। इस तरह फिंगर टिप्स की हेल्प से आप अपने हेयर के स्कैल्प पर इस हेयर मास्क को अप्लाई करें। गुड़हल के फूल में मॉइस्चराइज़र के गुण होते हैं। इसके अलावा इसमें मौजूद पोषक तत्व आपके बाल को एक नया जीवन देता है। फ्रेंड, साथ ही साथ एक नया रंग भी देता है। दरअसल गुड़हल का इस्तेमाल हेयर कलर के रूप में भी किया जाता है। इसके इस्तेमाल से आपके बाल में एक अलग सा रंग किस चमक दिखाई देगी। फ्रेंड, मैंने अपने हेयर पे कभी भी कलर अप्लाई नहीं किया है। फ्रेंड, मैं हमेशा हिबिकस हेयर मास्क अप्लाई करती हूँ। इससे मेरा हेयर बिल्कुल नेचुरल कलर देता है। फ्रेंड, जो देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। आप भी इस हेयर मास्क को ज़रूर ट्राई करें। अगर आप हेयर फॉल्स की प्रॉब्लम को झेल रही हैं या आपका हेयर बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप इस हेयर मास्क में 1 चम्मच कोकोनट ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड, इस हेयर मास्क को आप वीकली 2 टाइम ज़रूर अप्लाई करें बेस्ट रिजल्ट के लिए। इस तरह आप पूरे हेयर पे अपने स्कैल्प पे इस हेयर मास्क को अप्लाई कर लें। बचा हुआ हेयर मास्क को मैंने पूरे हेयर पे अप्लाई किया है। आप कोई भी हेयर मास्क अप्लाई करें अपने बालों के नीचे हेयर मास्क लगाना ना भूलें। फ्रेंड, इस हेयर मास्क से आपके दुमुहे बाल भी बहुत सॉल्व हो जाता है। फ्रेंड, पूरी तरह इस पैक को अपने हेयर पर अप्लाई करें और 40 मिनट के बाद अपने हेयर को वॉश कर लें।
इस हेयर पैक को आपको सूखने नहीं देना है फ्रेंड, इसके लिए आप शावर कैप या इस तरह से कैरी बैग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास शावर कैप नहीं था तो मैंने इस तरह कैरी बैग, प्लास्टिक की जो कैरी बैग आती है उसका इस्तेमाल किया है। गर्मियों का दिन है तो हेयर पैक बहुत जल्दी सूख जाती है, तो ट्राई करें कि इस तरह अपने हेयर को कवर करके रखें और 40 मिनट के बाद अपना हेयर वॉश कर लें फ्रेंड। ये बहुत अच्छा नेचुरल हेयर पैक है फ्रेंड, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।